हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। कैसे हो आप सब? मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए, आज का टॉपिक है आपका मोरा-द्रावा डैन्यूब, दैट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट फाइव कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। पहले भी इस टॉपिक पे कई वीडियोस बन चुकी हैं, बट इसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। अगर आपके यूपीएससी में या फिर किसी भी ऐसे पेपर में, पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है और क्या क्या इंक्लूडेड रहता है उसमें। देन दूसरी चीज़, अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ स्टेप बाय स्टेप स्टडी। उसमें मैं रोज़ डेली जो है करंट अफेयर्स लेती हूँ, आपके जितने भी न्यूज़पेपर हैं, या तो इकोनॉमिक टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया और आपका हिंदुस्तान टाइम्स, इन तीनों न्यूज़पेपर में से मैं आपकी डेली क्विजेस बनाती हूँ। दिन में एक से दो बार वो क्विजेस होती हैं, कई बार तीन बार भी हो जाती हैं, तो उनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितना अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि बायोस्फीयर रिज़र्व होता क्या है। वट इज़ अ बायोस्फीयर रिज़र्व? अब आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनी होगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि एक एरिया है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक पार्क। पार्क में आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं, राइट, एनिमल्स वगैरह नहीं होते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब प्रोटेक्टेड होते हैं। देन वी कम्स आर बायोस्फीयर रिज़र्व। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो वो होता है आपका बायोस्फीयर रिज़र्व। तो अब ये बायोस्फीयर रिज़र्व को समझने के लिए यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, ठीक है। तो ये एरिया कुछ जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पर कुछ माउंटेन्स हैं जो इस तरफ हैं। नीचे उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड में भी कुछ माउंटेन्स हैं जो कि हमें पता है कि ये इंडेंजर्ड है माउंटेन्स, या कभी भी लुप्त हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। देन हमने ये भी देखा यहाँ पर तीन चार रिवर्स हैं जो बहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गंगा निकलती है यहाँ से, और भी चेनाब निकलती है, रावी, ये सब तीन चार रिवर्स हैं जो इधर के एरिया से निकल रही हैं, राइट। दूसरा, यहाँ पर हमने नोटिस करा कि कुछ ट्राइबल पीपल भी हैं जो इस एरियाज़ में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर 200 के अराउंड ट्राइबल पीपल हैं जो इस एरिया में रहते हैं। तो हमने क्या करा, इस पूरे ही एरिया को, ये पूरे एरिया को हमने बना दिया बायोस्फीयर रिज़र्व। मतलब यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, लैंडस्केप्स भी हैं, फ्लोरा है, फौना है, आपका रिवर्स हैं, आपका डेल्टास हैं, राइट, आपके मियंडर्स हैं, आपके वीवर्स हैं। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होके हम प्रिजर्व कर देते हैं इन सब चीज़ों को, सिर्फ एनिमल्स एनिमल्स नहीं, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, फिशेस, जितना भी आपका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जब हम उसको कंजर्व करते हैं, तो उसको कंजर्व करने को ही हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिज़र्व। तो यहाँ पर तो ये है एक एक्सप्लेनेशन, बट एक ऑफिशियल में हम आपको क्या समझाती हूँ, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी जो है वो कहती है, साइंटिफिक लैंग्वेज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज दैट आर मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट ऑल्सो रिस्टोर्स ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन दैट विसिनिटी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट ऑल्सो रिस्टोर्स द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन दैट विसिनिटी। दे कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। ये आपके एरिया के बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करता है। देन इन इंडिया वी आर गवर्नमेंट हैव डिक्लेयर्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, और 18 में से भी जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो कौन कौन से, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व में होता क्या है बेसिकली, ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक अर्थ के उससे समझते हैं, ये है आपका कोर, ये मेंटल, और सबसे ऊपर क्रस्ट। इसी तरीके से आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है आपका कोर रीजन, जो कोर को सराउंड करता है ये वाला रीजन, इट इज़ नोन एज बफर रीजन। एंड बफर को जो सराउंड करता है सबसे आउटर मोस्ट रीजन, दिस इज़ नोन एज मैनिपुलेशन रीजन, राइट। एक एक करके इन रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, पहली चीज़। दूसरा, कि कौन से प्रोग्राम के तहत इनको आइडेंटिफाई किया गया था, तो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत इसको आपका आइडेंटिफाई किया गया था। टू प्रमोट, किस लिए, टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये प्रोग्राम यूनेस्को ने कब इनिशिएट किया था, ये प्रोग्राम इनिशिएट किया था यूनेस्को ने 1971 में। सो कोर क्या है बेसिकली, कोर एक लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर ह्यूमंस का आना जाना सख्त मना है, यहाँ पर ह्यूमन की एंट्री बिल्कुल भी अलाउड नहीं है,
और ये सबसे इनर मोस्ट एरिया होता है आपके इकोसिस्टम का, जो कि अनडिस्टर्ब्ड ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, आपने अगर किसी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट करी होगी, तो जब आप टिकट लेके वहाँ पर देखने जाते हो, कोई भी टिकट ले लिया आपने सेंचुरी में घूमने के लिए, तो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी एंट्री प्रोहिबिटेड होती है, और इनफैक्ट हम आपकी नहीं सबकी एंट्री, तो उस एरिया को हम बोलेंगे कोर रीजन उस रिज़र्व का, ठीक है। देन वी हैव बफर जोन, वो हो गया कोर रीजन। अब वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट है, बर्ड्स का हैबिटेट है, वो बेसिकली जो एरिया है वो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो यूजुअली स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है कि किस तरीके से एनिमल्स रहते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसी ब्रीडिंग होती है उनकी, किस किस सीज़न में कैसे काम करेंगे, क्या होता है, ये सब चीज़ों के लिए कोर जोन आपका इम्पॉर्टेंट होता है। और इसीलिए ह्यूमंस का जाना वहाँ पर बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड होता है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, वो उनका एक अलग से हैबिटेट है आपके एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, फिशेज, इन सब का। देन कम्स टू बफर जोन। बफर जोन में जो कोर जोन को सराउंड करता है, इट इज़ नोन एज बफर जोन। बफर जोन में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं, जैसे कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़, रिसर्च वर्क आप यहाँ पर कर सकते हो, बाकी अलग अलग अगर कोई एक्टिविटी आप करना चाहेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम आप करना चाहेंगे, यहाँ पर रोड बनाना चाहेंगे, या फिर इस तरीके का जिससे कि फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुँचे, वो काम आप यहाँ पर बफर जोन में नहीं कर सकते। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि नेचुरल वेजिटेशंस, यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड, यहाँ फिशरीज़ होती हैं, फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर, टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। दिस जोन माइट आल्सो इंक्लूड रिक्रिएशन एंड टूरिज्म फैसिलिटीज़। माइट आल्सो मतलब हो सकता है कि ये टूरिज्म फैसिलिटीज़ को भी प्रमोट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप जाते हैं देखने के लिए बर्ड्स को, तो कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ से आपको कहा जाता है कि आप यहाँ से सिर्फ बर्ड्स को दूर से देख सकते हैं, एनिमल्स को दूर से देख सकते हैं, तो ये टूरिज़्म भी प्रमोट करता है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ लेस इंटेंसिव होती हैं इस जोन में। देन कम्स मैनिपुलेशन जोन। मैनिपुलेशन का मतलब ही होता है मैनिपुलेट करना, तो इट इज़ अ पेरिफेरल एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे क्रॉपिंग, रिक्रिएशन, फॉरेस्ट्री, आपकी सेटलमेंट, दैट इज़ परमिटेड विद कॉपरेशन ऑफ रिजर्व मैनेजमेंट एंड लोकल पीपल। सो यहाँ पर आपकी सेटलमेंट्स होती हैं या ह्यूमन बींग्स रहते हैं, यहाँ पर क्रॉपिंग, रिक्रिएशन, फॉरेस्ट्री, ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। और जो सॉइल की या फिर किसी भी चीज़ की डिग्रेडेशन भी हो जाती है, वो भी उस अपने नेचुरल फॉर्म कुछ टाइम बाद ले लेती है। तो ये तीन जोन होते हैं आपके, कोर, बफर और मैनिपुलेशन। सबसे जो इनर मोस्ट जोन है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ या इंटरवेंशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती, वो है आपका कोर जोन। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपका ये जो बायोस्फीयर रिज़र्व, जो 18 बायोस्फीयर रिज़र्व हैं, कहाँ कहाँ हैं, पूरा मैं बोलूँगी नहीं, सिर्फ आपको करना क्या है, अभी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है, ताकि आपको आगे याद रहे, जब भी आप मोबाइल फ़ोन खोलें आपका, आप स्क्रीनशॉट पढ़ें और अपना याद करें। जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व है, ईयर है कि कब इसको बायोस्फीयर रिज़र्व बनाया गया, तो 2000 में ये बायोस्फीयर रिज़र्व बना, और ये है कहाँ पर, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में, ठीक है, इन तीन एरिया से मिलके नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व बना है। नीलगिरी का नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि जो वहाँ पर माउंटेन्स हैं वो हैं नीलगिरी माउंटेन्स, ठीक है, केरला में, कर्नाटका और तमिलनाडु में नीलगिरी माउंटेन्स पाए जाते हैं। देन वी हैव सुंदरबंस बायोस्फीयर रिज़र्व, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है आपका जो बनता है, इसी तरीके से ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो चलिए, यूनेस्को डिक्लेयर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिज़र्व इन कितना, 2021 ऑन 15th ऑफ सितंबर, 15 सितंबर 2021 में इसको एक बायोस्फीयर रिज़र्व घोषित किया गया था। किसको, मूरा द्रावा जानूब डैन्यूब को। और ये मूरा द्रावा और डैन्यूब हैं क्या, ये एक बेसिक, ये तीन रिवर्स हैं, और डैन्यूब जो है, द्रावा इज़ योर मेन रिवर, डैन्यूब एंड मूरा, ये है इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, तो आप समझ में आ गया, ये तीन चीज़ें जो है ये प्रोटेक्ट की गई हैं इन बायोस्फीयर रिज़र्व। इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अमेज़न ऑफ यूरोप, एंड वन देन दे कैन आस्क यू इसका एरिया कितना है, 1 मिलियन हेक्टेयर है मूरा द्रावा डैन्यूब का एरिया। अकॉर्डिंग टू WWF स्टेटमेंट, WWF क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड की फॉर नेचर, इसकी स्टेटमेंट में कहा गया है कि यूनेस्को ने सितंबर 15, 2021 में मूरा द्रावा डैन्यूब को
डेजिग्नेट किया था वर्ल्ड्स फर्स्ट फाइव कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप बोलोगे कि ये तो बायोस्फीयर रिजर्व 2012 में ही बन गया था, तो आप अब क्यों पढ़ा रहे हो 2021 में? आपको अब यूनेस्को ने इसको क्यों डिक्लेयर दोबारा कर दिया है, पहले जब 2012 में डिक्लेयर हो चुका था? तो सबसे पहले जब ये 2012 में डिक्लेयर हुआ था तो सिर्फ हंगरी और क्रोशिया, इन दो एरियाज़ में ये बायोस्फीयर रिज़र्व फैला था। अभी क्या हुआ है, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और सर्बिया, इन तीन एरियाज़ में भी इस बायोस्फीयर रिज़र्व को फैला दिया गया है, वहाँ पर भी कंजर्वेशन हो गई है। ऑल राइट, कवर कितना करता है ये जो मूरा, द्रावा और डैन्यूब रिवर है, ये कितना एरिया कवर करते हैं? ये 700 किलोमीटर्स कवर करती हैं। और कि जो फाइव नेशंस का था ना, फाइव कंट्री बायोस्फीयर रिज़र्व, तो ये फाइव कंट्रीज़ कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी एंड सर्बिया। ठीक है, टोटल अगर पूछें आपका टोटल एरिया कितना है, टोटल है 1 मिलियन हेक्टेयर, और जो रिवर का एरिया है वो है आपका 700 किलोमीटर्स। इसको और क्या बोला जाता है, अमेजोन ऑफ यूरोप, और क्या है ये यूरोप कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट रिवरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, जो आपको यहाँ से याद करनी है। पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा एक एरिया वैसे पूछते नहीं हैं बट फिर भी, एंड तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, डेट याद रखनी है, चौथा ये है अमेजोन ऑफ यूरोप इसको बोला जाता है। और लार्जेस्ट रिवरीन प्रोटेक्टेड एरिया अगर आपसे पूछें यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन सा है, तो आपको याद रखना है मूरा, द्रावा, डैन्यूब रिवर्स। WWF स्टेटमेंट सेड दैट न्यू रिजर्व रिप्रेजेंटेड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रीन यूरोपियन ग्रीन डील। अब ये यूरोपियन ग्रीन डील क्या है? यूरोपियन ग्रीन डील बोलती है आपको कि 2030 तक, बाय 2030 तक जो ये फाइव कंट्रीज़ का या फिर EU का एम है वो है आपका 25,000 किलोमीटर ऑफ रिवर्स को रिवाइटलाइज करना, दोबारा से रिवाइव करना, और 30% यूरोपियन यूनियन का लैंड एरिया को प्रोटेक्ट करना। ये है आपका यूरोपियन ग्रीन डील। MDD's recognition was mandate to all five countries to jointly advance the protection and revitalization of Mura Drava Danube area and boost sustainable business practices। तो इन्होंने कहा है यूनेस्को ने कि ये पांचों कंट्रीज jointly इस एरिया को, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो एरिया है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको प्रोटेक्ट करेगी। और ये पांचों कंट्रीज़ जो हैं इस रिवर्स को, जहाँ पर चाहे कुछ भी हो इसमें, रिवर्स यहाँ के, मियांडर्स, बोर्स यहाँ पर, डेल्टाज, इन सब चीज़ों को, वाइल्ड लाइफ का एरियाज, फ्लोरा फौना, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जितने भी हैं, वो ये पांचों कंट्रीज आपस में जॉइंटली मैनेज करके प्रोटेक्ट करेंगी, और यहाँ पर सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस भी जो है उसको भी बूस्ट करेंगी। आगे चलते हैं, तो ये रिजर्व में, इस बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या होता है? इट इज़ अ होम टू फ्लड प्लेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जैसे कि हमने डिस्कस करा था, ग्रेवल, ये ग्रेवल्स होते हैं यहाँ पर, सैंड बैंक्स, रिवर आइलैंड्स, ऑक्सबोज, मिडोज। अब आप समझ सकते हो, जब यहाँ पर रिवर आइलैंड्स हैं तो कुछ ट्राइबल पीपल भी रहते होंगे, यहाँ पर आसपास बहुत सारे बर्ड्स भी होंगे इस रिवर आइलैंड्स पे, सैंड बैंक्स पे भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जो रहते होंगे, मिडोज, ऑक्सबोज में भी, ग्रेवल्स, फ्लड प्लेन फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में भी कितना फ्लोरा और फौना पाया जाता है, तो वो सब आ जाता है इस रिजर्व में। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वाइट टेल्ड ईगल जो है उसके मोर देन 150 पेयर्स इस कॉन्टिनेंट पे, इस एरिया में पाए जाते हैं। और एंडेंजर स्पीशीज़ जैसे कि लिटिल टर्न, ब्लैक स्टॉक, ऑटर्स, बीवर्स एंड स्टर्जन्स, इसमें कुछ फिश भी हैं, तो वो सब इसमें पाई जाती हैं। राइट, देन दे कैन आस्क यू कि कितने लोगों का हैबिटेट है। ऑलमोस्ट 900,000 पीपल लिव इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व, एंड ये फीडिंग प्लेस है मोर देन 250,000 माइग्रेटरी बर्ड्स का। तो अगर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, जो आपका ये एरिया है दैट इज़ मूरा द्रावा डैन्यूब रीजन, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं। तो एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो है आपका इंटरेक डैन्यूब ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये अमेजोन द्वारा फंडेड है, और इसमें क्या है, बाइक ट्रायल होता है, यूरोप बाइक ट्रायल, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग ट्रेल फॉलोइंग द मूरा द्रावा डैन्यूब रिवर लैंडस्केप। मतलब कि जो ये तो हो गई आपकी मूरा द्रावा रिवर्स, ठीक है, इसके आसपास का एरिया पूरा प्रोटेक्टेड है फाइव कंट्रीज़ का, ठीक है, फाइव नेशंस का। यहाँ पर जो आपके फ्लड प्लेन्स हैं इधर की तरफ, जो प्लेन एरियाज़ हैं,
वहाँ पर साइकिलिंग, वहाँ पर आपका लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग ट्रेल हो गया, आपका यूरो बाइक ट्रायल हो गया, ये सब यहाँ पर अलाउड है जो कि टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारा आपके पास नंबर है, यू हैव आर जीमेल आईडी आल्सो, यू कैन मैसेज अस देयर। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, प्रोटेक्टेड एंड विश यू ऑल द बेस्ट।